हेलो वी वर आप्टडींग डी एंड एफ लॉक एलिमेंट्स चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक किया था अब हम ट्वेंटी वन स्टार्ट करते हैं राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सी आर थ्री पॉजिटिव पी एम थ्री पॉजिटिव सी यू पॉजिटिव सी ई प्लस फोर सी ओ प्लस टू एम एन प्लस टू एल यू प्लस टू टी एच प्लस फोर इन सबकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखनी है ठीक है तो देखिए सी आर प्लस थ्री क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है ट्वेंटी फोर पहले कॉन्फिग्रेशन हमने लिख ली है ये इस तरीके से उसके बाद प्लस थ्री करना है तो यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन निकला निकल जाएगा और डी फाइव में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहाँ पर डी थ्री बचेगा ठीक है पी एम का है फिफ्टी फोर तो ये एक्स ई फिफ्टी फोर ये हो जाएगा देखिए एक्स ई फिफ्टी फोर पीएम का सिक्सटी वन होता है सिक्सटी वन पी का होता है सिक्सटी वन रुकी पी एम सिक्सटी वन ठीक है तो पी एम एक्स ई फिफ्टी फोर हो जाएगा फोर एफ सिक्स फाइव डी जीरो सिक्स एस टू पी एम थ्री पॉजिटिव का निकालना है हमें तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ये फोर एफ फाइव आएगा यहाँ पर ठीक है सी यू प्लस वन कॉपर का ट्वेंटी नाइन होता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा थ्री डी टेन आ जाएगा ये सीरियम का फिफ्टी एट होता है ये यहाँ से प्लस फोर करना है तो दो इलेक्ट्रॉन दो इसके निकल गए एक ये निकल गया एक ये निकल गया सी ओ का ट्वेंटी सेवन होता है ठीक है इसकी हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखी उसके बाद यहाँ से हमने दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो दो इलेक्ट्रॉन ये वाले बाहर निकल गए थ्री डी सेवन तक हो गया एम एन ट्वेंटी फाइव है तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हमने लिखी यहाँ पर उसके बाद एम एन प्लस टू करना है तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ये फाइव तक आ गया ठीक uh, है ये ल्यूटीशियम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखी टू पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन निकालने तो यहाँ से डी वन तक आ गया थोरियम का ये रेडॉन सेवन एस टू तक आया है प्लस फोर करना है तो दो इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए दो इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए ये आ गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वाई आर एम एन प्लस टू कंपाउंड मोर स्टेबल दैन एफ ई प्लस टू टू वार्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर प्लस थ्री स्टेट एम एन प्लस टू आयस है अदर हैंड एफ ई टू पॉजिटिव आयंस हैन बी ईजीली कन्वर्ट इन टू स्टेबल डी फाइव कॉन्फिग्रेशन दियर फोर जो एम एन के प्लस टू के कम्पाउंडस हैं वो मोर स्टेबल होंगे दैन एफ ई प्लस टू towards oxidation to their plus 3 state question number 23 explain briefly how plus 2 state becomes more and more stable in the first half of the first row transition elements with increasing atomic number this can be explained on the basis of electronic configuration in the first half of first 3d series or transition series elements acquire karte d5 configuration in plus 2 oxidation state which is half filled extra stable Therefore, 4 plus 2 oxidation state becomes more stable in the first half of first row transition elements. Question number 24. To what extent do the electronic configuration decide the stability of oxidation state in the first series of the transition elements? Illustrate your answer with example. In a transition series, the oxidation state ha, results in half-filled and completely filled D-sub-shell are more stable. ठीक है डी सब शेल जहाँ पर हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड होती है वो मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है एम एन की वो ये होती है इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्राम प्लस टू टू प्लस सेवन बट एम एन सेकेंड इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज इट इज़ स्टेबल इट हैज स्टेबल डी फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्यों क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ये निकल जाते हैं और डी फाइव तक कॉन्फिग्रेशन आ जाती है जो मोस्ट स्टेबल होती है बिकॉज इट इज हैज़ ए स्टेबल डी फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलरली वी कैन सेक हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दिस एक्जिबिट इस्टेबल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है बिकॉज ऑफ इस्टेबल कंप्लीटली फिल्ड डी टेन कॉन्फिग्रेशन जब प्लस टू होगा तो ये दो इलेक्ट्रॉनिक निकल जाएंगे डी टेन तक आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वॉट विल द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद विदोइंग डी टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ देयर एटम्स देखिए थ्री डी थ्री वैनिडियम प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड प्लस फाइव तक होता है ये हमें बताना है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की विद द फॉलोइंग डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन द ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अगर है इनकी थ्री डी थ्री क्रोमियम मैगनीज ठीक है इन सब की बतानी है मैगनीस कोबाल्ट तो ये देखिए प्लस टू ये होगी इसकी प्लस थ्री प्लस फोर एंड प्लस फाइव ये क्रोमियम है इसमें प्लस थ्री प्लस फोर प्लस सिक्स हो जाएगी मैगनीस प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस सेवन कोबाल्ट प्लस टू प्लस थ्री

सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की है प्लस सिक्स और सी आर ओ फोर टू नेगेटिव क्रोमेट में जो ग्रुप नंबर है ऑफ सी आर इज प्लस सिक्स ठीक है वॉट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ठीक है अब देखिए कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नंबर वन रिजाम्पलेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एज अ रिजल्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन जो एलिमेंट्स हैं सेकेंड और फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं सेकेंड एंड थर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन जो एलिमेंट्स होते हैं सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के वो रिजाम्पल करते हैं एक दूसरे को मच मोर देन द एलीमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज द पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स जरकोनीयम हाफनीय नियोबियम एंड है ये टेंटेलम ठीक एम ओ क्या है Molybdenum. और डब्ल्यू क्या है टेन्जेस्टर ठीक है ये पासिस ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम साइज नेक्स्ट देखिए सिमिलैरिटी अमंग लेंथेनॉइड्स बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियाई ऑफ लेंथेनाइट्स देर कैमिकल प्रॉपर्टी आर क्वाइट सिमिलर दिस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द एलिमेंट्स इन प्योर स्टेट बेसिसिटी डे डिफरेंस ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो साइज होता है लेंथेनाइट आइन का वो डिक्रीज होता है रेगुलरली विद इनक्रीज इन एटोमिक नंबर दे आर फोर जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोक्साइड की वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे अटोमिक नंबर इनक्रीज होता है एग्जाम्पल देखिए लेंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट स्टेबल वाइल

ठीक देखिए ट्रांजिशन मेटल शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये अलॉय बनाते हैं ये फॉर्म करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये को प्लेनर होते हैं ये फॉर्म करते हैं कलर्ड कंपाउंड ये यूज़ होते हैं कैटलिस्ट की तरह इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हाई इंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन को शो करते हैं ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं ठीक है देखिए पैरामैग्नेटिक नेचर के क्यों होते हैं ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन इस्टेट ड्यू टू वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एन माइनस वन डी एंड एन एस सब शेल फॉर्म करते हैं एलॉय ड्यू टू सिमिलर एटोमिकाइज फॉर्म करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड ड्यू टू लार्ज एटोमिकाइज फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पटी डी सबशेल एंड हाई चार्ज ऑन मेटालाइन देखिए फॉर्म करते हैं कलर्ड कंपाउंड्स ड्यू टू डी टू डी ट्रांजिशन कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन सरफेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू स्ट्रॉग मेटालिक बॉन्डिंग हाई इनथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग

दस इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ठीक है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में केवल लास्ट शेल इनकम्प्लीट होती है जबकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट मतलब सेकेंड आउटर मोस्ट ठीक है दोनों शेल इनकम्प्लीट होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द डिफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द लेंथ इसका आंसर यहाँ से है देखिए प्लस देख लीजिए ये भी यहाँ से नहीं है वैसे आंसर इसका यहाँ से है ये ऐसी समझाने के लिए है आपको प्लस थ्री इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड दे मेक देयर कंपाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ प्लस थ्री सो दे हैव स्मूथ केमिस्ट्री ओके द प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लेंथेनॉइट की वो प्लस थ्री है इन एडिशन दे एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू एंड प्लस फोर ठीक है एक्सप्लेन गिव रीजन्स फर्स्ट पॉइंट ट्रांजिशन मेटल्स एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड शो करते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्वॉल्व द दार्शियल फिलिंग ऑफ डी एंड दस दे हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द डी सबसे मैग्नेटिक कैरेक्टर ट्रांजिशन मेटल और बहुत सारे जो और कंपाउंड हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को क्यों शो कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्वॉल्व द पार्शियल फिलिंग होती है डी सबसेल की एंड दिस दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं डी सबसेल में जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है ठीक है नेक्स्ट The enthalpies of atomization of the transition metals are high. The transition elements consist of strong metallic bonding due to overlapping of unpaired electrons between different metal atoms. Therefore, these elements exhibit high enthalpy of atomization. Next point the transition metals generally.

ये देखिए ये टी टू जी है ये ई जी है ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये डी जेड स्क्वायर है ये डी एक्स वाई है ये डी वाई जेड है ये डी जेड एक्स है ठीक टी टू जी लेवल नीचे है लाइट अगर इसको एनर्जी अगर इसको मिल गई एचन एनर्जी जब इसको मिल जाएगी तो ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा लोअर एनर्जी स्टेट में था इलेक्ट्रॉन ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया यहां पर तो नहीं है ठीक है टी टू जी से इजी लेवल में पहुंच गया है ठीक नेक्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट करते हैं गुड कैटलिस्ट की तरह क्यों देखिए जो मेन रीजन है फॉर द कैटेलाइटिक एक्टिविटी ऑफ़ द ट्रांजिशन मेटल्स आर द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑन द टेंडेंसी टू फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नेक्स्ट इन सम केसेस जो ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट है वो प्रोवाइड करता है सूटेबल लार्ज सरफेस एरिया जिस पर रिएक्टेंट आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है एंड देयर फोर कम क्लोजर टू वन एंड ऑर्डर फॉर द रिएक्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑन दिस चैनल वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट ऑफ पी सी बी इफ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू दैन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट थैंक यू